करिश्मा है। इसे देखकर आपको लग रहा होगा ना कि जो रोड है वो खराब है और इसी वजह से ये जो गाड़ी है वो इधर उधर जा रही है और धस रही है, पर नहीं, ये जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये सच्चाई नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है, जिसे सुनने के बाद आप शायद हंस पड़ेंगे। दरअसल इस गाड़ी में जो ड्राइवर है वो गाड़ी नहीं चला पा रहा है और शायद इसी वजह से ये जो गाड़ी है वो इधर उधर हो रही है और धसती हुई जा रही है, और वहां खड़े हुए कुछ लोग भी उस गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। अब ये सब सुनने के बाद तो आप सोच रहे होंगे ना कि ये व्यक्ति आया कहाँ से है और है कहाँ पर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये व्यक्ति आया कहाँ से है और है कहाँ पर। लेकिन उससे पहले इस फुटेज को आप ध्यान से देखिएगा और इस गाड़ी की नंबर प्लेट को भी। तो आप नंबर प्लेट देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि ये व्यक्ति आया कहाँ से है। ये व्यक्ति दिल्ली से आया है और अभी यमकेश्वर विधानसभा में द्वारीखाल ब्लॉक के जाखणीखाल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अमोला डाबर खंड कांडी मोटर मार्ग पर है, जहां की विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी हैं और जिला पंचायत सदस्य श्री अमन बिष्ट विधायक प्रतिनिधि हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि जब इन लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती है पहाड़ों में तो ये लोग आते क्यों हैं, और जब आ जाते हैं तो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं जो कि सबको हिला कर रख देता है। पर जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके पीछे रह जाता है तो उसका घर परिवार, जो कि उसको हर वक्त याद करके रोता है। पर आप देखिए जरा इस खूबसूरती को कि किस प्रकार से वो व्यक्ति अपनी गाड़ी को लेकर आ रहा है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि सही से गाड़ी चला सके, लेकिन वो गाड़ी धसती चली जा रही है और इधर उधर हिलती डुलती जा रही है। इसी के साथ आप फुटेज में ये भी देख पा रहे होंगे कि वो ड्राइवर गाड़ी से उतर भी जाता है और जो आसपास के लोग खड़े हुए हैं वो भी उस गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ने का नाम तक नहीं ले रही है। मगर ऐसा नहीं है कि रोड इतनी ज्यादा खराब है। अगर आप पहाड़ से हैं तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये रोड खराब नहीं है, इसमें आसानी से कोई भी गाड़ी जा सकती है और आ सकती है। मगर इस ड्राइवर के हाथ पैरों ने और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और सोचना बंद कर दिया है कि आखिर इस गाड़ी को किस प्रकार से आगे निकाला जाए। वो अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है गाड़ी निकालने की, लेकिन निकालने में नाकामयाब हो रहा है। आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप भी अच्छे से गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं तो इस तरीके से पहाड़ों पर ना आए, क्योंकि पहाड़ों की सड़कें तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी चलाने में चूक गए तो ना चाहते हुए भी एक छोटी सी गलती बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। आखिरी में आप ही बताएं कि इसमें किसकी गलती है, उस गाड़ी की जो उस रोड पे नहीं चल पा रही है, या तो उस ड्राइवर की जो गाड़ी नहीं चला पा रहा है, या फिर किसी और की। बाकी आप खुद समझदार हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। गौरव दकमान, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें लोकार्पण अनावरण सच का। धन्यवाद।